और इंशाल्लाह पामिस्ट्री को भी कोशिश करेंगे कि अभी वीडियोज़ में उसको भी डिस्कस करें, वो डिफरेंट है। हम चेहरा शनासी में बात कर रहे थे, ये जो पेशानी होती है ना आपकी, अब छोटा बीबी, कितनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, एजुकेशन नहीं है इसमें। ये पेशानी है ना अपनी, पेशानी फोर हेड, ये वाली पेशानी जिसको बोलते हैं, ये बचपन होता है आपका, ये आपका बचपन है पेशानी, यानी उसमें पूरा बचपन आपका पोशीदा है। इंटरेस्टिंग बात है, एजुकेशन है इसमें। नोज़ है आपका, नोज़ आपकी जवानी है, जवानी से मुराद अप्रॉक्सीमेटली आप ये ले लेंगे 20 से 40 45 साल का टुकड़ा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 से 40 साल का टुकड़ा, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और आईब्रो, आईब्रो से लेकर यहाँ तक, ये 40 साल का एरिया, यानी 20 अप्रॉक्सीमेटली, ये छोटी, ये जो फोर हेड है पेशानी आपकी, ये 18 20 18 20 साल के आसपास है, और उसके बाद नोज़ है आपका 20 से 40 45 साल के करीब है, और ये जो ये चिन है आपकी, यानी जिसको ठोड़ी और ये सारा बोलते हैं, ये आपका लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, लास्ट सेमेस्टर होता है। नाक का ऑपरेशन कराते हुए बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जवानी होती है, अगर ऑपरेशन बिगड़ गया तो। हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये बोलता है, मतलब सेहत के हवाले से कह लें, ब्लेसिंग्स के हवाले से कह लें, डेस्टिनी का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके नाक से, नाक की बनावट से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आपकी लेफ्ट आई से, और लेफ्ट आपके ईयर से, यानी कान जो होता है ये, और लेफ्ट आईब्रो से गहरा ताल्लुक है आपकी कामयाबी या नाकामी का। अब वो कामयाबी नाकामी आपके घर में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, ससुराल में हो सकती है, प्रोफेशनल जो आप कोई वर्क कर रहे हैं उसमें, बिजनेस में हो सकती है, ट्रैवलिंग में हो सकती है, ब्ला 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 ब्ला, जो जहाँ जैसे जहाँ पाया जाता है ये होता है। देखिए हर जगह हर चीज़, हम जो भी स्टेप दुनिया में लेते हैं मजमूई तौर पर अपनी आसानी के लिए तो लेते हैं। लोग अच्छे घर क्यों बनाते हैं, गाड़ी अच्छी क्यों ली जाती है, अच्छी स्टडीज़ और एजुकेशन पर ध्यान क्यों दिया जाता है, जाहिर है अपनी आसानी के लिए, यानी ओवरऑल जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट को आप ले लें, कोशिश की जाती है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को देखा जाए, तकलीफ़ को कंट्रोल में लाया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। हम सेल लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, पूरी कोशिश होती है कि यार कम प्रॉब्लम का यानी सामना हो हमें। और इसी तरह मैरिजेस के हवाले से जो लोग देखते हैं, कोशिश हर इंसान की यही होती है कि यार ब्लेसिंग्स ज़्यादा करीब हों, आसानी ज़्यादा मिले। तो इसी तरह अगर आपसे, आप किसी का नाम पूछे बगैर, उसका हाथ देखे बगैर, और उसकी किसी भी किस्म की एजुकेशन को या किसी भी किस्म के उसकी शख्सियत के पहलू को जाने बगैर, दूर से उसकी शक्ल देखकर एक हद तक आपको आइडिया हो जाए, आसानी नहीं है ये, ब्लेसिंग नहीं है। जिस तरह कुछ लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार ये वाला आम ठीक है, वो वाला आम ठीक नहीं है, ये वाले केले बने हुए हैं बनाना, ये नहीं बने हुए, ये तरबूज कच्चा है और ये तरबूज बना हुआ है, खाने में ये वाली भिंडी, वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ और फ्रूट्स की। आप सब्ज़ी लेने कुछ लोग जाते हैं, कुछ खान आपकी फैमिलीज में कुछ बुज़ुर्ग होते होंगे, वो एक्सपर्ट होते हैं सब्ज़ी लेने में, ये वाला करेला ठीक है, ये गोभी ठीक है, और ये वाले बैंगन ठीक है, या जो भी बला 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 जो भी, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस देखे हुए होते हैं उन्होंने। तो चेहरा शनासी की आसानी ये हो सकती है, हो सकती है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। एक लड़की ससुराल में जाती है तो 25 लोगों से उसको मिलना होता है, वो 25 को नहीं जानती है, नहीं जान सकते। हम अपनी फैमिलीज़ में, अपने अपने घरों में रहते हैं, कुछ रिश्तेदारों को हम 20 20 साल 30 30 साल हो जाते हैं, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो क्या निकलते हैं 30 साल बाद, 25 साल 30 साल 40 साल बाद क्या निकलते हैं, अक्सर किसी की डेथ के बाद, या फादर की डेथ के बाद, या मदर की डेथ के बाद, या किसी लड़की की अगर कोई अच्छी शरीफ नहीं है, उसके शोहर की डेथ के बाद, कैसे कैसे चेहरे लोगों के सामने आते हैं, वो चेहरे पहले दिन से ही ऐसे होते हैं। नेगेटिव बिहेवियर किसी का आपके लिए अगर है तो वो पहले दिन से है, ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से हुआ है कि आपके फादर की डेथ हो गई, या आपके शौहर की डेथ हो गई, या आपको डाइवोर्स हो गई, खुदा ना खास्ता, जिसको भी हो, अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए, घर का टूटना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ भी किसी के साथ कोई अपसेट हो, उसके बाद आपने देखा होगा कुछ लोगों का रवैया बहुत तल्ख और काबिल नफ़रत और इंसल्टिंग हो जाता है आपसे, एकदम नहीं होता, वो लावा बहुत पहले का पकड़ा होता है, वो इजहार उस डेथ के बाद होता है, उस तकलीफ़ में आने के बाद वो चीज़ ऑनियर होती है, वो चीज़ पहले मौजूद होती है बंदे में। तो चेहरा शनासी की ब्लेसिंग्स ये हो सकती हैं, एजुकेशन की हद तक लीजिएगा इस बात को, मेरी बातों को प्लीज़, और अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ने एजुकेशन की हद तक लिया, तो आज सारे के सारे इल्म नुजूम ज्योतिष